हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों टॉपिकों का हम लोग अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो डियर स्टूडेंट क्लास से जुड़े हैं वो चैनल को एक बार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बिंदु आवेश, ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग उसको बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा रफली हम समझते हैं क्या होता है, कैसे निकाला जाए कि किस हेडिंग को कैसे क्या किया जाए। सर बच्चों की, यहाँ आप लोगों की डियर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम होती है कि उत्पत्ति कैसे करें, क्या लिखें, क्या बनाएं, कैसे जानेंगे कि हमको यही करना है। तो सोचिए वो क्या कह रहा है। पहले टॉपिक क्या है, आपकी जो टॉपिक है वो है ये बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी टॉपिक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, आपको समस्याएं ये आती हैं कि सर लोग तो जानते हैं ये करना वो करना, आप कैसे जानोगे। सोचिए क्या कर रहा है, बिंदु आवेश, यानी आप एक बिंदु आवेश बनाइए। क्या बनाइए, इधर रफली में समझेंगे, अभी उधर बताएं के बाद में हम लोग क्या समझते हैं कि एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बिंदु आवेश। जिस ये हो गया कोई बिंदु आवेश, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी आप सोचो कि ये बिंदु आवेश जब लिए तो इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर आपने एक बिंदु P ले लिया, इस आवेश से कुछ दूरी पर, वो दूरी क्या मान ली? R मान ली है। इतनी बातें समझने का प्रयास कीजिएगा डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा कि कोई बिंदु आवेश है, उससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। अब उसी P पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, बस यही आपकी हेडिंग है। और ये हेडिंग अगर आप समझ जाते हैं तो आगे की तीन हेडिंग, वेरी मोस्ट एकदम इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो तीनों में से वो तीनों हेडिंग आपके लिए सरल हो जाएगी। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, आपकी भी और उन बच्चों की भी जो बच्चे अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं। आइए, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि क्या करना है। तो सबसे पहले क्या एक डायग्राम बनाते हैं कि क्या लिए, कि माना कोई बिंदु आवेश है, माना कोई बिंदु आवेश है Q, जो कि कोई एक O पर स्थित है, या तो मान लेते हैं O पर स्थित है। कहां पर स्थित है? O पर स्थित है। O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिए? P ले लिए, जिस पे विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करना है। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या कहा, माना कोई बिंदु आवेश क्यों है, लिखते हैं माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश क्यों है जो कि O पर स्थित है, जो कि O पर स्थित है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, O से R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु का है P है, एक बिंदु का है भैया P है। बातें समझ में आ रही है, जिस पे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, E ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। अब इमेजिन करते हैं कि इस पे कोई एक परीक्षण आवेश रहा होगा, कल्पना करते हैं P पर कोई एक परीक्षण आवेश रहा होगा। अब आप आगे ध्यान से समझिए, अब ये प्लस क्यू आवेश इस पे क्या लगाएगा, इसे बाहर की तरफ क्या करेगा, ये जो प्लस क्यू आवेश है ये इस पे बाहर की तरफ बल लगाएगा, बाहर की तरफ बल लगाएगा, नहीं लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इधर की तरफ होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो डियर स्टूडेंट कूलाम के नियम से
इन दोनों आवेशों के बीच बल कार्य करेंगे, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। अब बात यहां यह उठती है, बल क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एफ ज्ञात करोगे तब तो रखोगे ना, तो आइए एफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्यू और क्यू जीरो के बीच लगने वाला बल एफ ज्ञात करते हैं। आइए क्या लिखेंगे, क्यू तथा क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल। बातें समझिएगा जरा सा, कूलाम के नियम से बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, तो क्यू वन के स्थान पे क्यू है, क्यू टू तो क्यू टू के स्थान पे क्यू नॉट है, अपान क्या हो गया आर स्क्वायर, बीच की दूरी आर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक कैप लगा देंगे आर कैप, क्योंकि आर कैप क्या है, एक एकांक सदिश है जो कि लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। इतनी बातें समझ में आई आपकी, कोई दिक्कत किसी को डियर स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझिएगा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर क्या पढ़े हैं, ई बराबर आपने पढ़ा है लगने वाला बल एफ अपान क्या हो जाएगा क्यू नॉट। तो एफ का मान रखा जाए, एफ का मान आप देख रहे हैं, तो एफ का मान कितना है देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट आइए इधर रखते हैं, तो एफ का मान कितना है, 1/, ध्यान से समझिएगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है क्यू इंटू क्यू नॉट है, क्यू इंटू क्यू नॉट, अपान कितना है आर स्क्वायर, साथ में आर कैप एकांक सदिश है जो, अब अपान क्या है क्यू नॉट, तो यहाँ अपान क्या हो जाएगा क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गए कैंसिल हो गए, कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट, तो आपके सामने क्या बचा, ई बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये बातें आ गई, ई बराबर यानी बिंदु आवेश के कारण जो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई थी ये हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, इस समीकरण से आप दो निष्कर्ष निकाल सकते हो, ई प्रोपोर्शनल क्यू और ई विद्युत का अनुपाती 1/r2। ध्यान समझिएगा, यानी इस समीकरण से बता सकते हैं कि बिंदु आवेश का मान जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ई प्रोपोर्शनल क्यू यानी क्यू का मान बढ़ाएंगे, बिंदु आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। साथ में क्या करा, ई प्रोपोर्शनल 1/r2, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, यानी आवेशों की बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा होगी उतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कम होगी, और बीच की दूरी जितना कम होगा उतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट आपका जो पहला टॉपिक था वो टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे की तरफ इसको कंटिन्यू करते हैं। आपकी अगली टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट, आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वही हेडिंग है, वैसे ही है जैसे आप लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जैसे आपने वहाँ क्या पढ़ा था, बहुत सारे आवेश होते हैं, उनके बीच एक आवेश को रख दिया जाता था, तो उस आवेश पे जो लगने वाला बल था सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होता था। यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ पर भी कई विद्युत क्षेत्र कई आवेश रहेंगे, उनके बीच एक आवेश रख दिया जाएगा, उन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वही आपको ज्ञात करना। तो आइए ध्यान से समझिएगा, तो हम क्या मानते हैं, हेडिंग बना के रखा गया आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक्स, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये हमने कर दिया, ये कोई वाई एक्सिस हो गया और ये कोई हो गया एक्स एक्सिस, ध्यान से, और ये मूल बिंदु हो गया, जहाँ मूल बिंदु क्या हो गए ओ हो गए। अब ध्यान समझिएगा, एक आवेश यहाँ हो गया क्यू वन हो गया, एक आवेश क्या हो गया क्यू वन, तो इसकी मूल बिंदु ओ से, मूल बिंदु ओ से इसकी स्थिति सदिश कितनी है आर वन है, कितनी है आर वन है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद एक दूसरा आवेश हो गया क्यू टू, एक दूसरा आवेश क्या हो गया क्यू टू, जिसकी मूल बिंदु ओ से स्थिति सदिश क्या है आर टू है, क्या है आर टू। इसी प्रकार एक जो है दूसरा
यहाँ पर बाद में भी रखते हैं जरा सा। इसी प्रकार आपका जो एक तीसरा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, क्यू थ्री आवेश हो गया, जिसकी स्थिति सदिश क्या, आर थ्री। इसी प्रकार लास्ट वाला हम मान लेते हैं एन हो गया, जो कि क्यू एन है और जिसकी स्थिति सदिश क्या है, आर एन है। ध्यान से समझिएगा, इतनी बातें क्लियर आई। माना कोई निकाय है जो कि कितने आवेशों से मिलकर बना है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डॉट डॉट, कितने आवेशों से मिलकर बना है, क्यू एन आवेशों से मिलकर बना है। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी सॉरी ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो आप ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, जो आप पहले जितना बना है उतना लिख लेंगे। माना कोई निकाय है, कोई निकाय, कोई निकाय Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेशों से मिलकर बना है, Qn आवेशों से मिलकर बना हुआ है, क्या है, मिलकर बना है। इतनी बातें समझ में आई, मिलकर बना है, जिनकी स्थिति सदिश, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 और Rn है, जिनकी जिनकी स्थितीय सदिश क्रमशः R1, R2 डॉट डॉट आर एन है। कहाँ से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु ओ से, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जिनके बीच, जिनके बीच एक परिक्षण आवेश Q0 रखा है, जिनके बीच एक परिक्षण आवेश क्या रखा गया है, Q0 रखा गया है। ध्यान समझिएगा, तो जिनके बीच, जिनके बीच एक परिक्षण आवेश, एक परिक्षण आवेश Q0 रखा है, क्या रखा है, Q0 है या Q0 स्थित है, स्थित है, जिस पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझिएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मानते हैं Q1 के कारण इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ध्यान से समझिएगा, Q1 के कारण इस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। इसी प्रकार Q2 के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। ऐसे Q3 के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, E3 है। ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट वाला आपका क्या होगा, En होगा। तो इस पे लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही अध्याय ऊपर का सिद्धांत आपने पढ़ा था। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट क्या, En। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो समीकरण नंबर क्या बना ली, एक, ये हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार डायग्राम को आप फिर से समझ लेते हैं। क्या है कि कोई निकाय है जो कि n आवेशों से मिलकर बना है, वो n आवेश क्रमशः q1 q2 q3 और qn है, जिनकी मूल बिंदु से दूरी इतनी इतनी है, ठीक। इतनी बातें समझ में। अब आपको हाँ, जिनके बीच एक परिक्षण आवेश Q0 रखा है उसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निकाय के सारे आवेश इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगा। तो E E1 E2 प्लस E3, अब सबका मान यहाँ पर रखेंगे। तो आइए ध्यान से समझिएगा, अब आप लोग ध्यान समझिएगा, अब क्या है, E1 का मान, E1 का मान, E1 किसके कारण है, Q1 के कारण। देखिए Q1 के कारण E1 है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
चलिए ध्यान समझिएगा, एक समझ जाएंगे सब समझ लेंगे। ई वन बराबर, अब ध्यान समझिए, ई वन बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था, वन बटे, अभी इससे पिछले ही हेडिंग में पढ़ा है, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता था, क्यू बटे आर स्क्वायर। तो क्यू के स्थान पे यहाँ कौन है, क्यू वन है, और बटे आर क्या होता था, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी यहाँ से कितनी है, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, आर तो है पर वन और जीरो, वन और जीरो, या तो आप यहाँ जीरो न लगाते हुए ये बिंदु P मानेंगे तो R1 P हो जाएगा। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1 P का स्क्वायर और साथ में एक एकांक सदिश R1 P, R1 P का कैप, यानी एक से P की तरफ, पहले आवेश से P की तरफ दिशा होगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझिएगा। अब Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, E2 है। अब इसका क्या होगा, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के स्थान पे Q2, अब यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, R, R तो है पर 2 और P हो जाएगा, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर टू पी का स्क्वायर, एकांक सदिश आर टू पी का कैप। इसी प्रकार हम लोग डॉट डॉट किसके कारण निकालेंगे, Qn के कारण, तो Qn के कारण, Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगी En, En बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 के स्थान पे Qn बटे, इस बार दूरी हो जाएगी Rn0, आर एन जीरो का आर एन पी, सॉरी आर एन पी का स्क्वायर और एकांक सदिश आर एन पी का कैप, आर एन पी का कैप। ये सब मान समीकरण एक में रख देंगे तो ई वन ई टू व ई एन का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए रखते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब ये सब मान रखेंगे तो सब मान रखने से पहले आप जरा सा ध्यान दीजिए कि ये और ये चीज ये सब में कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे रखने से पहले। तो चलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर। अब E1, तो E1 का मान कितना है, ये है, ये देखिए, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो क्या क्या बचा है, क्यू वन बचा है, क्या बचा है, क्यू वन बचा है, फिर क्या है, आर वन पी का स्क्वायर है, फिर आर वन पी का क्या है, कैप है। इसी प्रकार क्या बचा है, क्यू टू बचा है, फिर क्या बचा है, आर टू पी का स्क्वायर, फिर आर टू पी का कैप, प्लस डॉट डॉट ऐसे क्या बचा है, क्यू एन बचा है, फिर आर एन पी का स्क्वायर और साथ में आर एन पी का कैप। ये बातें जरा सा आप समझिएगा, ये हमने कोष्टक बंद कर दिए। ये इस प्रकार आवेश के निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो आपकी हेडिंग यहाँ समाप्त हो जाती है। हाँ, इसे हम लोग और किसी दूसरे रूप में जरूर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर दूसरे रूप में लिखना हुआ तो क्या लिखा जा सकता है, चलिए हम लोग इसको समेशन के रूप में लिखेंगे। तो ई बराबर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका कॉमन है तो ये कॉमन रहेगा, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए क्यू वन है तो क्या हम इसे ऐसे न मान ले, क्या मान लेंगे, समेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, समेशन, समेशन का मतलब कुल जोड़, समेशन लगा दिए। समेशन लगाने के बाद जहाँ क्यू वन है वो क्यू लिख लेंगे और यहाँ आई लगा देंगे, और बटे क्या है, आर आई, ध्यान दीजिएगा, क्यू आई पी, क्या लगा देंगे, क्यू आई पी और आर आई पी, ये हो गए और क्या हो गया, स्क्वायर, ये लगा दी, स्क्वायर हो गए और साथ साथ में यहाँ आर आई पी का कैप लगा देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ एन। अब आप ध्यान से समझिए कि ये फार्मूला हमने लिखा कैसे, आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आपने ये फार्मूला कैसे लिखा। एक चीज और, जहाँ आई बराबर एक दो तीन डॉट डॉट चार, सॉरी एन तक आप रख सकते हैं।
अब आप कहोगे सर जी आपने लिखा कैसे, देखिए जहाँ वन था जो क्यू वन थे और आर वन थे वही हमने क्या कर दिया, क्यू आई और आर आई कर दी, जहाँ आई का मान हम 1 2 3 4 रख सकते हैं ठीक। उसके बाद पी पी सब में कॉमन था इसलिए पी हमने लिख लिया, क्यों, क्योंकि पी पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है ठीक। तो इस प्रकार, और ये यन क्या है, यन बता रहा है कि यन आवेशों से मिलकर बना, यानी यन आवेशों का हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ठीक। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, अगर आज की पढ़ाई गई किसी भी टॉपिक में या कहीं भी कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आपके हर एक डाउट का जवाब क्लियर किया जाएगा और आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में पिछले आगे कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप उसको बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको सारा इंटर का या हाई स्कूल 9 10 11 12 की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।